अस्सलाम वालेकुम। अभी हमारे साथ डॉक्टर नवाज़ रहमान खान साहब हैं। ये अभी करंटली KTC AMU अलीगढ़ डिपार्टमेंट ऑफ अमराज जिल्वा तर्जीनियात यानी स्किन डर्मेटोलॉजी से MD कर रहे हैं। इस साल इन्होंने MD में एडमिशन लिया है। ये एक स्कोर्ट मेंबर रहे हैं KTC AMU अलीगढ़ के, और ये और मजीद अपनी इंट्रो देंगे, तो हम इनका इस्तकबाल करते हैं। आज हम इनसे चर्चा करेंगे, ये जो अभी मुहिम चल रही है ट्विटर पे, हम लोगों ने मुहिम चलाने की शुरुआत की है NCISM बिल पे, तो इस पे मैं आज इनसे समझने की कोशिश करूंगा। ये हमेशा यूनानी के कोई भी कॉज होता है उसमें फ्रंट लाइन पे आकर के काम करते हैं, इस पे मेहनत करते हैं, और इसके लिए भी इस बार भी ये सबसे आगे आगे हैं और ये काम कर रहे हैं। तो आज इनसे हम इसके बारे में समझने की कोशिश करेंगे कि आखिर ये क्या है और इसमें क्या मसाइल हैं, क्यों हम लोग इस पे बात कर रहे हैं, क्यों ये ट्रेंड हम लोग शुरू किए हैं चलाने की। जी, सबसे पहले अस्सलाम वालेकुम सभी को जो ये वीडियो सुन रहे हैं, और मैं सबसे पहले शुक्रिया अदा करना चाहता हूँ डॉक्टर हकीम वैश साहब का, जिन्होंने बहुत सीरियसनेस दिखाई इस मैटर पे, और बहुत इम्पोर्टेंट ये मैटर है खासकर यूनानी स्कॉलर्स के लिए। क्योंकि सबसे पहले मैं अपना इंट्रो दे देता हूँ। मेरा नाम डॉक्टर नवाज़ रहमान खान है। मैंने अपना UG अजमल खान तिबिया कॉलेज AMU से किया है 2013 में। नाउ आई एम परसुइंग माई MD फ्रॉम अमराज जिल्द व तर्जीनियात फ्रॉम अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी। तो मैं एक स्टूडेंट हूँ MD का। तो आज हम जिस मैटर पर बात कर रहे हैं वो है NCISM बिल। अब ये मैं आपके को बताना चाहता हूँ ये NCISM बिल क्या है, और पहले ये गवर्निंग बॉडी का नाम क्या था, और गवर्नमेंट ने इसमें क्या चेंजेस किए हैं। NCISM की बिल, NCISM की फुल फॉर्म है नेशनल कमीशन फॉर इंडियन सिस्टम ऑफ मेडिसिन। इंडियन सिस्टम ऑफ मेडिसिन में जो 35 जाती हैं वो आयुष हैं, आयुर्वेदा, यूनानी, सिद्धा और होम्योपैथ। पहले जो गवर्निंग बॉडी थी वो आयुष की, इंडियन सिस्टम ऑफ मेडिसिन की, वो CCIMT सेंट्रल काउंसिल ऑफ यूनानी मेडिसिन, आप सब लोगों ने नाम सुना होगा। वो गवर्नमेंट ने, प्रेजेंट गवर्नमेंट ने उसको डिसॉल्व कर दिया है, और एक नई गवर्निंग बॉडी को इन्होंने प्रोजेक्ट किया है जिसका नाम है NCISM, नेशनल कमीशन फॉर इंडियन सिस्टम ऑफ मेडिसिन, जो फ्लोर पे आई है, मतलब ऑन रिकॉर्ड आई है 21 जून 2021 को। पहले CCIM में क्या हुआ करता था, आयुर्वेदिक और यूनानी का अगर हम बेसिक इंफ्रास्ट्रक्चर देखें तो तकरीबन सेम है। तो पहले जो गवर्निंग बॉडीज थी, बोर्ड ऑफ गवर्नर्स थे, वो सेम थे, एक ही बोर्ड में आयुर्वेदिक और यूनानी का वजूद था, तो दोनों का रिप्रेजेंटेशन एक साथ हुआ करता था। अब जो नई बॉडी का रिप्रेजेंटेशन हुआ है नेशनल कमीशन फॉर इंडियन सिस्टम ऑफ मेडिसिन, इसमें जो बोर्ड ऑफ गवर्नर्स हैं उसमें आयुर्वेदिक को इन्होंने बिल्कुल अलग बोर्ड में रखा है, और यूनानी को इन लोगों ने सिद्धा और सोवा रिग्पा के साथ ऐड किया है। तो सिद्धा और सोवा रिग्पा जो ये दो 35 हैं, ये स्टेट 35 हैं, ये नेशनल लेवल पे इनका अभी वजूद नहीं है। अगर मैं ये कहूं कि ये यूनानी के सामने एक छोटे भाई की हैसियत रखते हैं सोवा रिग्पा और सिद्धा, जबकि यूनानी और आयुर्वेदिक ये नेशनल नहीं बल्कि इंटरनेशनल है। अगर हम इंडिया की बात करें तो ज्यादातर हर स्टेट में यूनानी और आयुर्वेदिक का वजूद है। तो यूनानी आयुर्वेदिक को तो गवर्नमेंट ने उनका अलग बोर्ड दे दिया, उनका अपना अलग प्रेसिडेंट दे दिया बोर्ड ऑफ गवर्नर्स का, जबकि यूनानी के साथ इन्होंने सिद्धा को और सोवा रिग्पा को ऐड किया। अब खैर कोई बात नहीं, ऐड कर दिया, लेकिन उसमें जो प्रेसिडेंट बनाया बोर्ड का वो इन लोगों ने सिद्धा से लिया है, यानी यूनानी का कोई भी रिप्रेजेंटेशन उस बोर्ड ऑफ गवर्नर्स में नहीं रखा है, जबकि सिद्धा यूनानी के सामने एक छोटे भाई की हैसियत रखती है, वो सिर्फ एक स्टेट तक ही सीमित है। आपने UP, मध्य प्रदेश जो हिंदी स्टेट लैंड से, उसमें आपने सिद्धा का नाम भी नहीं सुना होगा। तो गवर्नमेंट ने इसमें जो हमारे साथ डिस्क्रिमिनेशन किया है वो हमें इसमें एक तरीके से, मानिए डिपार्टमेंट होता है उसका एक HOD होता है, तो एक डिपार्टमेंट बना दिया 35 का यूनानी, सिद्धा और सोवा रिग्पा का, और उसका जो HOD बनाया है वो सिद्धा से लिया है। अब इसमें क्या हमें नुकसान हो सकता है वो मैं आपको बता देना चाहता हूँ। अब पहले जैसे CCIM गवर्निंग बॉडी थी आयुष की, तो उसमें कोई भी मैटर होता था रिलेटेड टू आयुष यूनानी का हमारा, तो हमारा एक मेंबर वहां हुआ करता था, एक वाइस प्रेसिडेंट यूनानी से हमेशा नॉमिनेट हुआ करता था, तो हम अपने मैटर्स उनको बता दिया करते थे ये हमारे मैटर्स हैं। तो यूनानी का जब एक नुमाइंदा वहां होगा तो यूनानी की बात अच्छे से रखेगा। अब जब वहां पर यूनानी का रिप्रेजेंटेशन है ही नहीं उस बोर्ड ऑफ गवर्नर्स में,
तो यूनानी की बात कौन रखेगा? अब सिद्धा वाला तो इतनी नॉलेज नहीं रखता यूनानी के बारे में, वो जाहिर है अपनी पैथी के बारे में ज्यादा प्रोजेक्ट करेगा जो भी गवर्नमेंट पॉलिसीज बनेंगी। तो अब गवर्नमेंट क्या करेगी, 4 लोगों की 5 लोगों की इन्होंने एक बोर्ड ऑफ गवर्नर्स बनाया है, हर 35 से एक एक मेंबर इन्होंने लिया है, यूनानी से कोई उसमें रिप्रेजेंटेशन नहीं है। अब जो भी इन्हें बिल पास करना होगा या जो भी रिकमेंडेशन गवर्नमेंट को पास करनी होंगी, तो उसमें यूनानी का जब रिप्रेजेंटेशन नहीं होगा तो 5 लोगों को बुलाकर जो भी इनको अच्छा लगेगा वो ये अप्रूव करके भेज देंगे। तो हमारा साफ साफ ये कहना है कि इसमें हमारा रिप्रेजेंटेशन होना बहुत जरूरी है, और आयुर्वेदिक की तरह यूनानी को भी अलग बोर्ड बनाया जाए, उसका ही बोर्ड ऑफ गवर्नर्स का प्रेसिडेंट यूनानी से होना चाहिए। यूनानी से बोर्ड ऑफ गवर्नर अगर होगा, प्रेसिडेंट हमारा होगा, तो जाहिर है हमारे जो इतने मसाइल हैं वो सरफेस पे आएंगे, वरना हमें जो है बहुत नुकसान होगा। और गवर्नमेंट का ये इरादा हमें नेक नहीं लग रहा है, तो हम सबको इस वक्त यूनिटी की जरूरत है और हमें ये मैटर उठाना है एनी हाउ। मसला ये मैंने सुना कि गवर्नमेंट ने ये दलील दी थी कि आयुर्वेदा पूरे हिंदुस्तान में फैला हुआ है, इसलिए उसको एक अलग वो करते हैं, अलग बोर्ड बनाते हैं, और बाकी सब वो इलाकाई है। जैसे कि सिद्धा एक खास इलाके में महदूद है, सिर्फ तमिल वगैरह के साइड में, उसी तरह वो, तमिलनाडु में ही है, सिर्फ स्टेट में है वो। जी तो उसके साथ यूनानी को ऐड कर दिया गया, जबकि जितना जितना आयुर्वेद पूरे हिंदुस्तान में फैला हुआ है उतना ही हमारा यूनानी भी पूरे हिंदुस्तान में फैला हुआ है। यूनानी तो राइट कॉस्मोपॉलिटन है ना, पूरे राइट इंडिया में, और ऐसा नहीं है कि वो एक खास स्टेट तबके में ही महदूद है। तो राइट इसलिए राइट हम लोगों को उनके साथ, सिद्धा के साथ जोड़ कर, या फिर सिद्धा को हमारा रहनुमा बना करके ये गलत किया गया, ये डिस्क्रिमिनेशन हुआ है हमारे साथ। तो हमारी मांग यह है कि आयुर्वेद की तरह हम लोगों की भी एक अलग गवर्निंग बॉडी बनाई जाए, यही बॉडी होनी अलग चाहिए। बोर्ड बनाई जाए। राइट 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 आसान लफ्जों में यही है अब कि राइट राइट अब गवर्नमेंट को ये सोचना चाहिए, नंबर ऑफ कॉलेजेस जो एफिलिएटेड हैं इस वक्त मिनिस्ट्री ऑफ आयुष से, सीसीआईएम से, वो यूनानी के कई गुना ज्यादा हैं, सिद्धा से और सोवा रिगपा से। ठीक है, आयुर्वेदा से तो यकीनन हम कम हैं, लेकिन सेकंड लार्जेस्ट जो एफिलिएटेड कॉलेज हैं आयुष के, वो यूनानी के हैं आयुर्वेदिक के बाद। और जो सिद्धा हैं और दूसरी पैथीज हैं सोवा रिगपा, ये तो छोटे भाई की हैसियत रखती है, सिर्फ एक स्टेट में भी पूरी तरह से फुल फ्लेश नहीं है, उस स्टेट में भी चंद शहरों तक ही सीमित है ये जो पैथीज हैं। ठीक है ना, तो कहने का मतलब ये गवर्नमेंट की इसमें हमें नियत साफ नहीं लगती है, और हम इसमें अपनी आपत्ति दर्ज कराते हैं, और हमारी गवर्नमेंट से गुजारिश है कि हमारा बोर्ड भी अलग बनाए या आयुर्वेदा के साथ ऐड करें, और हमारा रिप्रेजेंटेशन भी इस बोर्ड में होना चाहिए, क्योंकि जाहिर है जो हमारी ग्रेवेंसीज होंगे वो कौन पुट करेगा लीगली, तो हमारा एक मेंबर होना चाहिए। और अब आप देखिए, जैसे सेंट्रल रिसर्च इंस्टीट्यूट हैं ऑल ओवर इंडिया हैं, तो उसमें गवर्नमेंट ने क्या किया है, जो लास्ट गवर्नमेंट थी उसमें बहुत से रिसर्च सेंटर आयुर्वेदिक यूनानी के कंबाइन है, उसी में यूनानी की रिसर्च चल रही है, उसी में आयुर्वेदिक की रिसर्च चल रही है, तो पहले से ही दो भाइयों की तरह काम करते आए आयुर्वेदिक यूनानी। और आप आयुर्वेदिक और यूनानी का बेसिक इंफ्रास्ट्रक्चर देखें तो शायद ज्यादा डिफरेंस नहीं है, तकरीबन तकरीबन सेम ही है, मेडिसिन 99% हम लोगों की कॉमन है। तो इसमें सोवा रिगपा के और सिद्धा के साथ ऐड करने का कोई समझ नहीं आता है क्या पॉलिसी इन्होंने अख्तियार की है, और ये बहुत गलत है। और मैं एक चीज बता दूं कि सिर्फ ये एक बोर्ड का मसला नहीं है, दूसरे भी हमारे मसाइल हैं जो हम इस मुहिम में साथ लेकर चल रहे हैं। जैसे कि अभी लास्ट वीक हमारे फैकल्टी ऑफ यूनानी मेडिसिन में प्रोफेसर एफ एस एस शीरानी साहब जो डीन है मौजूदा, जो डॉक्टर मोहम्मद मोहसिन साहब हैं डिपार्टमेंट ऑफ अमराज जिल्द वज़ोरबिया से, अभी एक वेबिनार ऑर्गेनाइज हुआ था ऑल इंडिया लेवल पर, उसमें जो राइट राइट उसमें सिर्फ हमने यही मैटर नहीं रखा कि साहब एनसीएसएम बिल में हमारा बोर्ड ऑफ गवर्नर्स नहीं है, गवर्नेंस नहीं है, उसमें हमारा कोई नुमाइंदा नहीं है, बल्कि हमने अदर इश्यूज जो हमारे साथ डिस्क्रिमिनेशन होता आ रहा है हमने वो भी पुट किए हैं, और वो भी हम इस एजिटेशन में जो हमारा ये एक ट्रेंड हम ट्विटर पे लाना चाह रहे हैं उसमें हमने इसको ऐड किया है। अब नंबर वन तो हमारा मैटर हो गया कि साहब हमारा एक बोर्ड अलग से बनाया जाए या फिर आयुर्वेदा के साथ ऐड किया जाए, और हमारा उसमें रिप्रेजेंटेशन होना चाहिए। नंबर टू, जो एक लास्ट 6 मंथ से बहुत इंपॉर्टेंट इश्यू चला आ रहा है वो है यूनानी सर्जरीज का। भाई आप एक तरफ आयुर्वेदा सर्जन को परमिशन परमिट कर देते हो,
मोर देन 200 सर्जरीज उसमें इंक्लूड हैं, आपने ईएनटी ऑप्टो की भी सर्जरी इंक्लूड कर दी, जनरल सर्जरी सब है उसमें, आप उनको वैलिड कर देते हो कि आप लीगली ऑथराइज हो, आप सर्जरी कर सकते हो। वहीं दूसरी तरफ एमएस हमारे यहाँ भी होता है जरात में, आप एमएस हमारे यहाँ गायनी हाउस में भी होता है, एमएस हमारे यहाँ ईएनटी में हो रहा है, तो आप दूसरी तरफ यूनानी को अलाउ नहीं कर रहे हो, उनका गैजेट आपने अप्रूव नहीं किया, आप उनको यूनानी वालों को एक झोला छाप की तरह रखना चाहते हो और आयुर्वेदिक को आप इक्विवेलेंट टू एमबीबीएस एमएस करना चाहते हो, तो ये डिस्क्रिमिनेशन बहुत क्लियर कट है और इसमें किसी को बताने की जरूरत नहीं है। मैंने एक आरटीआई भी की थी, आप लोगों ने देखी होगी, उसमें मैंने क्वेश्चंस पूछे थे कि भाई क्या वजह है कि आप एक तरफ एक ही बॉडी मिनिस्ट्री ऑफ आयुष के अंडर में आयुर्वेदिक आता है यूनानी आता है, आप आयुर्वेदिक को सब परमिशन दे देते हो सर्जरीज की और यूनानी को नहीं दे रहे हो, क्या वजह है? तो वहां से बहुत अजीब जवाब आया कि साहब ऐसी इन्फॉर्मेशन हमारे पास नहीं है, अभी सिर्फ हमने आयुर्वेदिक को दी है, और जो मैंने आयुर्वेदिक को सर्जरी की लिस्ट मांगी कि आपने किन किन सर्जरीज को इंक्लूड किया है, तो तकरीबन तकरीबन मोर देन 200 सर्जरीज उस लिस्ट में मौजूद थी, और यूनानी को आपने नहीं किया और आप उनको 3 साल की डिग्री करा रहे हो, तो सबसे बड़ा डिस्क्रिमिनेशन है जी। थर्ड पॉइंट जो हमारा इस एजेंडा में शामिल है जी। आप देखिए कि ऑल इंडिया इंस्टीट्यूट आपके आयुर्वेदिक के इस वक्त आई थिंक 3-4 हैं, जयपुर में भी है, दिल्ली में भी है इनका, और यूनानी का एक भी ऑल इंडिया इंस्टीट्यूट नहीं है, एम्स नहीं है, सिर्फ एक हमारा नेशनल इंस्टीट्यूट है NIUM बेंगलोर में, दूसरा इंस्टीट्यूट हमारा गाजियाबाद में स्टार्ट होने जा रहा है, एक हमारा ऑल इंडिया इंस्टीट्यूट यूनानी का डेवलप होना चाहिए, और ये पहले प्रोजेक्ट जब लास्ट गवर्नमेंट में अप्रूव्ड हो गया था, उसका पैसा जमीन सब सेंक्शन हो गई थी, फिर उसको इन लोगों ने हमें पीछे ले गए और उसको NIU में कन्वर्ट किया। तो हमारा थर्ड पॉइंट ये है कि हमें एक नेशनल इंस्टीट्यूट मिलना चाहिए, सॉरी ऑल इंडिया इंस्टीट्यूट मिलना चाहिए एम्स की तर्ज पर, जिस तरीके से आयुर्वेदा के ऑलरेडी वर्किंग है। नंबर फोर्थ जो हमारा सबसे इम्पोर्टेंट है कि आयुष यूनिवर्सिटी का अभी डेवलपमेंट हुआ, उसमें आपने देखा होगा कि यूपी गवर्नमेंट का एक बयान आया, हमारा जो मेन फोकस इसमें रहेगा वो आयुर्वेदा और योगा पे रहेगा जी। तो ये तो बहुत क्लियर कट है, इनका अपलिवमेंट जो है, इनकी जो सेंस है वो सिर्फ आयुर्वेदा और योगा तक ही सीमित है, और इन्होंने बोल दिया है कि आयुष यूनिवर्सिटी में आयुर्वेदिक और योगा पे ही हम लोग फोकस रखेंगे, और जाहिर है जो अदर पैथीज है लाइक यूनानी उसको साइड में डाल दिया जाएगा। तो हमारा ये कहना है, जैसे करोल बाग है दिल्ली का, दिल्ली यूनिवर्सिटी से एफिलिएशन है, उसके 100 साल अभी मुकम्मल हुए हैं और उसकी तामीर उसकी जो संगे बुनियाद थी वो हकीम अजमल खान साहब ने डाली थी, तो हमारी गवर्नमेंट से ये मांगे कि भाई उसको जो है यूनिवर्सिटी का दर्जा दिया जाए, उसमें आयुर्वेदिक यूनानी दोनों इंक्लूड है, उसको यूनिवर्सिटी का दर्जा मिलना चाहिए। तीसरी चीज, हमारे मोर देन 90 इयर्स अजमल खान तिबिया कॉलेज अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी को भी हो चुके हैं, इसको इंस्टीट्यूट का दर्जा मिलना चाहिए, ये कॉलेज है अजमल खान तिबिया कॉलेज, इसका अब अपलिफ्टमेंट होना चाहिए और इसको भी इंस्टीट्यूट का दर्जा मिलना चाहिए। हमने प्रपोजल तैयार कर लिया है और इसके लिए कमेटी भी बना दी गई है यूनिवर्सिटी लेवल पर, उस पर अच्छा खासा काम हो चुका है, वो बहुत जल्द प्रपोजल हमारे जो एडमिनिस्ट्रेटिव होल्डर्स हैं वो पुट करेंगे गवर्नमेंट के सामने। तो कहने का मतलब है, यूनानी के लिए इस वक्त जो यूनानी स्कॉलर्स हैं, चाहे वो स्टूडेंट्स हों, पीजी स्कॉलर हों, प्रैक्टिशनर हों या डिफरेंट अदर जॉब्स में जो हैं, उनको इस वक्त यूनिटी की बहुत ज़रूरत है, हमें अब आवाज़ उठानी होगी, और जैसा कि आज का लॉकडाउन है तो जाहिर है हम लोग अभी मिनिस्ट्री में या फिर किसी ऑथेंटिक पर्सन से नहीं मिल सकते हैं कोरोना प्रोटोकॉल के हिसाब से, तो हमें क्या है, सोशल मीडिया का हथियार अपनाना पड़ेगा। अभी आपने एक बयान सुना होगा आज राकेश टिकैत का, जो एक किसान यूनियन के लीडर हैं, उन्होंने कहा हमारे पास 3 हथियार हैं इस वक्त, 3 चीजें गवर्नमेंट के सामने, नंबर 1 ट्रैक्टर, नंबर 2 टैंक, नंबर 3 ट्विटर। तो आप ये अंदाजा लगाइए कि एक किसान नेता को भी ये मालूम है कि सोशल मीडिया कितना बड़ा हथियार है, और हम ट्विटर से अपनी बात गवर्नमेंट के सामने रख सकते हैं और उसको प्रेशर डाल सकते हैं। तो मेरा ये कहने का मतलब है, ट्विटर से हम ये एक संदेश गवर्नमेंट को पहुंचा सकते हैं कि हम लोग यूनाइट हैं, अगर हम लोग सेम डेट पर और सेम टाइम पर सब लोग मुत्तहिद होकर मुनज्जिम होकर इस ट्रेंड को चलाएंगे और ये टॉप 10 या टॉप 5 में आ जाता है, तो एक गवर्नमेंट के ऊपर इफेक्ट जाएगा, मीडिया के सामने एक इफेक्ट जाएगा कि भाई यूनानी का एक इम्पोर्टेंट मुद्दा है जो अंडर सरफेस है और इन लोगों ने उठाया है, तो
तो उसको जाहिर है वो रीड करेंगे, तो एक हमें आसानी रहेगी अपनी बात को पहुंचाने के लिए। मैं थोड़ा बता दूं कि ट्विटर पे क्या होता है, जो लोग नहीं जानते उन लोगों को बता दूं कि ट्विटर पे हैशटैग के साथ कोई भी पोस्ट किया जाता है, तो जितने ज़्यादा लोग किसी एक हैशटैग को लिखते हैं एक किसी एक वक्त में, तो वो ट्रेंड करने लगता है। तो वन टॉप टू टॉप थ्री ऐसे टॉप में अगर टॉप टेन में हमारा आएगा ट्रेंड, तो फिर वो ज़्यादातर वो दिखेगा लोगों तक, ज़्यादातर उसकी विजिबिलिटी होती है। और ये बात हमारे पहुंचाने का मिनिस्ट्री तक और जो अथॉरिटीज हैं उन तक पहुंचाने का एक यही जरिया है ट्विटर। तो इसलिए चूँकि यूनानी में लोग भी कम हैं, हम लोग तो ऐसे ही बहुत कम हैं, तो इसलिए अपील की जा रही है सबको कि सब या तो ट्विटर पे अगर नहीं है, है तो ठीक है, नहीं है तो ट्विटर पे अकाउंट बनाएं। और 24 जून को शुरू किया ना हम लोग, 24 जून को 8 बजे से 9 बजे, इसलिए एक टाइम हम लोगों ने डिसाइड किया है 8 PM शाम में 8 बजे से 9 बजे तक 24 जून को सब ट्विटर पे आए और इस ट्रेंड को, इस हैशटैग को रीट्वीट करें, लिखें अपने अपने हिसाब से लिखें, और जो लोग लिख रहे हैं उनको उनका रीट्वीट करेंगे, तो फिर हमारा ज़्यादा से ज़्यादा रीट्वीट होगा तो ट्रेंड में आएगा। तो टॉप टेन पे तो हम लोग शायद टॉप पे नहीं जा पाए, लेकिन टॉप टेन में भी अगर आ जाएंगे, ज़्यादा से ज़्यादा लोग आएंगे, ज़्यादा से ज़्यादा रीट्वीट करेंगे, तो उससे फ़ायदा होगा, बात हमारी पहुँच सकती है। इसलिए ये वजह ये है लगा है, उसकी वजह ये है, आप अगर देखें जो भी सब पॉलिटिशियन है, गवर्निंग ऑफिसर्स हैं, वो सब ट्विटर पर हैं जी। और ट्विटर आजकल एक ऑफिशियल वे की तरह हो गया है, अगर आप कोई कंप्लेन भी करते हैं और पुलिस को टैग करते हैं तो उस पर एक्शन होती है, वो लीगल है जी। तो जितने भी हमारे मिनिस्ट्री ऑफ आयुष के एसोसिएट्स हैं, जितने भी मिनिस्टर्स हैं, सेक्रेटरी हैं, PMO हैं, सब ट्विटर पर हैं, तो ट्विटर पर तो सभी लोग रहते हैं और सारे पॉलिटिशियन, हमारे जितने भी एक्टिविस्ट हैं, सब आजकल अपनी आवाज ट्विटर के थ्रू ही रेस करते हैं। तो हम लोग अपनी ट्विटर पे जब आवाज रेस करेंगे और एक टाइम में पर्टिकुलर, ये जो ट्रेंड होता है वो मैं बता दूं, ऐसा नहीं है कि एक इंसान सुबह 5 बजे डाल रहा है, दूसरा 8 बजे 10 बजे 12 बजे, ऐसा नहीं होता, एक पर्टिकुलर टाइम पीरियड में ही ये सबको ट्रेंड कराना पड़ता है, तभी ये टॉप 10 या टॉप 5 में ट्रेंड हो पाता है। वो डिफरेंट डिफरेंट टाइम्स में नहीं करेंगे, तो एक पर्टिकुलर टाइम में ही इसको ट्रेंड कराना है। दूसरी चीज ये है कि इसमें जो भी हम लैंग्वेज आपको बता देंगे, आप लोग अपने मर्जी से भी लिख सकते हैं कि साहब हमारा एक अलग बोर्ड ऑफ गवर्नेंस होना चाहिए, हमें सर्जरी की परमिशन देनी चाहिए, हमारा ऑल इंडिया इंस्टीट्यूट होना चाहिए, हमारा यूनिवर्सिटी अलग होनी चाहिए, तो इसमें आप लोग उसमें टैग करें PMO को और मिनिस्ट्री ऑफ आयुष को, और नीचे #save_yunani_NCISM जरूर मेंशन करें। कुछ लोग मैं देख रहा था वो सिर्फ पोस्टर जो बना है उसी को पेस्ट कर रहे थे, उसको अपलोड करने से बात नहीं बनेगी, वो नीचे हैश लगाकर #save_yunani_NCISM आपको लिखना पड़ेगा। कुछ लैंग्वेज हम आपको बता देंगे क्या क्या मेन हमारे टॉपिक्स हैं जो हमें रेस करने हैं, बाकी आपको जो ये 4 मैंने आपको इम्पोर्टेंट पॉइंट बताए आप अपनी लैंग्वेज में भी उसमें ट्विटर पे डाल सकते हैं। और एक मेंबर कम से कम 3 ट्वीट करे, मिनिमम 3 ट्वीट, वो 3 अदर लैंग्वेज में कि भाई हमारा सर्जरी का इशू है, ऑल इंडिया इंस्टीट्यूट का इशू है, या जो भी अदर अदर इशू हैं अपने अपने, वो उसको डालें। और अपने जितने भी अदर, सिर्फ जरूरी नहीं है कि साहब यूनानी स्कॉलरशिप डालें, आपको लग रहा है आपके घर में 4 मेंबर्स हैं, अपने भाई पापा सिस्टर अपने हस्बैंड वाइफ जिसका भी ट्विटर है डाल सकते हैं, तो जितने ज्यादा पेस्ट होंगे ट्विटर पे हम लोग डालेंगे उतने ज्यादा ट्रेंड करेगा, वो हमारे लिए बहुत फायदेमंद होगा। तो उससे एक फायदा ये होगा कि एक नेशनल इशू बन जाएगा कम से कम सबके सामने कि साहब हाँ यूनानी के लोगों का कोई मसला है और ये आवाज उठा रहे हैं, क्योंकि गवर्नमेंट को अब तक ये लग रहा है कि हमने जो बिल बनाया है और यूनानी को साइडलाइन किया है, इससे कोई किसी को ऑब्जेक्शन नहीं है और सब बहुत अच्छा है और बहुत अच्छे से चल रहा है, तो हमें क्या है इसमें मुत्तहिद होना ही सभी का मुद्दा है, चाहे कोई किसी इंस्टीट्यूट का हो चाहे किसी स्टेट का हो, सबको साथ लेके चलना है। और आप लोगों को लगता है कि आपके कुछ सजेशन है वो भी हमें दे सकते हैं, आप डॉक्टर हकीम वैस साहब को अपने सजेशन दे सकते हैं कि हम और क्या इम्प्रूव करें इसमें और क्या ऐड करें। और हमने एक ग्रुप बनाया है अलग से, आप डॉक्टर हकीम से या हकीम वैस साहब से या मुझसे आप पर्सनल व्हाट्सएप पे बता सकते हैं, अब हम आपको ग्रुप में ऐड कर देंगे, तो आप अपनी क्वेरीज भी उसमें दे सकते हैं। मतलब हमारा ये नहीं है कि साहब हम ही जो कहें वही आप लोग करें,
जो आप लोगों के अच्छे सजेशंस हो उसको भी आप दे सकते हैं। तो इंशाल्लाह ताला अपना ये हमने भी अपने बड़े जो हैं प्रोफेसर शिराई साहब, डॉक्टर मोहसिन साहब और काफ़ी लोगों से हमने राय मशवरा किया है, अपने डॉक्टर तनवीर साहब, तो हम लोगों ने एक टीम बनाई है। सबसे हम एक सर्वे कर रहे हैं, पूछ रहे हैं, इसमें डॉक्टर खाली सिद्दीकी साहब हैं, काफ़ी डॉक्टर मुख्तार साहब हैं, तो हम सबसे एक मशवरा कर रहे हैं कि मतलब इसमें और कैसे बेटर किया जाए, गवर्नमेंट के सामने किन किन पॉइंट्स को रखा जाए, कैसे प्रेशर बनाया जाए, तो इसमें डिफरेंट सजेशन हम ले रहे हैं। तो आप लोग भी अपने सजेशन हमें दे सकते हैं, लेकिन सेव द डेट 24 जून @8-9 PM वो जरूर करें और करना ना भूलें, और डिफरेंट डिफरेंट मोबाइल नंबर से कराएं। ये जरूरी नहीं है कि आप अकेले यूनानी है, आपने अपने मोबाइल से किया, आप अपने घर में चार मेंबर है उनके मोबाइल से भी आप ट्वीट करें जी, और ट्वीट करने का तरीका समझ लें आप। जी हकीम साहब कुछ कह रहे थे आप। मैं बोल रहा था कि जो लोग हैं वो अपने घर के जुड़े हुए लोग, उनके उनसे जुड़े हुए लोग, घर वाले भी तो यूनानी वाले हुए, तो वो सब भी करें जी। राइट जी, राइट राइट, एक यूनानी फैमिली हुई वो भी जाहिर है, बहुत अच्छी बात कही आपने। तो सब लोग अपने अपने ट्विटर हैंडल से ट्वीट करें, और जिन लोगों ने ट्विटर डाउनलोड नहीं किया है डाउनलोड करें। ट्विटर सबसे इम्पोर्टेंट टूल है आज के दौर में, सबसे इम्पोर्टेंट टूल, और जिसमें अपनी बात को बहुत जल्दी ट्रेंड किया जा सकता है। आप देखिए कोई भी गवर्नमेंट तक को अपनी बात ट्विटर के थ्रू वायरल करनी पड़ती है, आज वो दौर है। सोशल मीडिया आजकल आप ये देखिए प्रिंट मीडिया और मेन स्ट्रीम मीडिया से बड़ा टूल है आप लोगों के पास, क्योंकि जो नेशनल मीडिया है वो हर मुद्दे को नहीं उठाती है। आपको मालूम है मीडिया का क्या हाल है इस देश में, तो अगर हमें अपनी आवाज उठानी है तो वाया सोशल मीडिया है। और सोशल मीडिया में असल में फेसबुक पे गवर्नमेंट ऑफिसर इतने जुड़े नहीं होते हैं और इतना उसमें फोटोज वगैरह ये सब होता है, तो इंसान एक और ट्रेंडिंग का ऑप्शन भी इतना क्लियर कट फेसबुक पे नहीं है, तो ट्विटर पे ट्रेंडिंग का ऑप्शन बहुत क्लियर कट है। अगर हम विद इन आवर 8-9 PM 5-10 हज़ार ट्वीट भी अगर हम करा ले गए तो उसमें हमारा ट्रेंड हो जाएगा, और ट्रेंड हो गया तो हमें बहुत बेनिफिट्स उससे मिलने जा रहा है इंशाल्लाह। तो सबसे अपील है, सब जो ट्विटर पे हैं बहुत अच्छा, नहीं है वो ट्विटर पे अकाउंट बनाएं, और 24 जून याद रखें, 24 जून 8 PM to 9 PM इस दौरान में हैशटैग सेव यूनानी NCISM जिस तरीके से लिखा हुआ है मैं इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में लिख दूंगा, और डायरेक्ट आप हमसे कांटेक्ट कर सकते हैं और नवाल भाई से कांटेक्ट कर सकते हैं आप लोग, और जो सजेशंस है वो आप लोग दे सकते हैं, और इस मुहिम का ज़्यादा से ज़्यादा लोग हिस्सा बनिए और लोगों को इसमें जोड़िए। बहुत बहुत शुक्रिया डॉक्टर साहब, आप अपना नंबर डिस्क्रिप्शन में डाल दीजिएगा। मेरी सभी व्यूवर्स से रिक्वेस्ट है, किसी को कोई भी अभी भी बात नहीं समझ आई हो या कोई सजेशंस हो या कोई उनको डाउट हो तो वो डॉक्टर हकीम वैद साहब से पूछ सकते हैं, और क्योंकि 2 दिन है हमारे पास, कल और परसों, ये बहुत इम्पोर्टेंट है, और आज तक हमारा यूनानी वर्ड ट्रेंड नहीं हुआ है। आयुर्वेदिक वाले जब चाहे अपना ट्रेंड करा लेते हैं, वो योगा वाले करा लेते हैं, तो हमें ये टारगेट बनाना है इंशाल्लाह, इस बार हमें ट्रेंड कराना है और अपनी बात को गवर्नमेंट ऑफिशियल्स तक पहुँचाना है। जी, तो अब हम लोग बात खत्म करते हैं। बहुत बहुत शुक्रिया डॉक्टर साहब आपका, और आपने इतना सीरियस मैटर को लिया, और यकीनन एक ये सीरियस मैटर है, अल्लाह आपकी मेहनत कबूल फरमाए। जी जी, बहुत बहुत शुक्रिया इंशाल्लाह। आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया, आप यूनानी के हर मसले पे, हर कॉज को आप ज्यादा से ज्यादा फ्रंट लाइन पे आप आकर के और मसले को उठाते हैं, तो इसके लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। अल्लाह आपको और हिम्मत दे कि आप आगे भी इस काम को करते रहें। इंशाल्लाह 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 मिलके करेंगे इंशाल्लाह ताला। ठीक, अल्लाह ओके, थैंक यू सो मच। ठीक, सलाम।